भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कर्नल अजय कोठियाल ने चालदा महासू देवता मंदिर समाटा में पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जौनसार बावर सामाजिक रूप से अत्यंत समृद्धशाली है। उन्होंने कहा कि जौनसार बावर से बहुत कम पलायन हुआ है, इसके पीछे यहाँ की युवा शक्ति का कृषि और बागवानी के प्रति आकर्षण है। अजय कोठियाल ने कहा कि जौनसार बावर के युवा अपनी मेहनत के बल पर अपनी आजीविका अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रदेश के विकास और युवाओं के हित के लिए कार्य कर रही है और इसी के बल पर हम इस प्रदेश को देश के अन्य प्रदेशों से अग्रणी प्रदेश बनाएंगे। कोचाल ने कहा है कि भारतीय सेना में उन्होंने जो अनुभव अर्जित किया है वो इसका लाभ प्रदेश और युवाओं को देना चाहते हैं, ताकि युवा स्वरोजगार की ओर आकर्षित हो और अधिक से अधिक उत्तराखंड का युवा देश की सेना में भर्ती हो, ताकि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ ये प्रदेश सुरक्षित रह सके। कोचाल ने आज समालटा स्थित चालदा महासू देवता मंदिर में पूजा अर्चना के पश्चात सैया में पत्रकारों से कहा कि लोक संस्कृति, लोक मान्यताओं एवं परस्पर आपसी सामूहिक एकता और सामूहिक परिवार के कारण जौनसार बावर का नाम संपूर्ण देश में आदर के साथ लिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जिस प्रकार से लोगों ने कृषि और बागवानी को महत्व दिया, आगे बढ़ाया जाना चाहिए। कोचाल ने प्रदेश में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नशे को कम करने के लिए युवाओं को रोजगार की ओर आगे बढ़ना चाहिए। उनके ऊपर युवावस्था से ही जिम्मेवारी का एहसास हो, ताकि वो अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश में सरकार द्वारा अनेक जन उपयोगी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसका लाभ आम आदमी को मिल रहा है। उन्होंने पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में युवाओं को आगे बढ़ने में सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान उनके साथ विधानसभा के पूर्व सूचना अधिकारी एवं लोक पंचायत के सदस्य भारत चौहान, SMR डिग्री कॉलेज के चेयरमैन अनिल तोमर, DAVPG कॉलेज देहरादून के पूर्व छात्र संघ महासचिव भगवती प्रसाद, राजीव चौहान, रणवीर सिंह चौहान, सरदार सिंह तोमर, अर्जुन सिंह तोमर आदि सहित अनेक लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट। देखो, मेरा एक बैकग्राउंड तो यह है कि मैं फौजी हूँ, फिर उसके बाद में उत्तराखंड में फौज का एक बहुत बड़ा एक समाज के साथ जुड़ा हुआ है। किसी के बच्चे हैं, किसी के रिश्तेदार हैं, मतलब आप लगा लो हर परिवार में से कोई ना कोई फौज में है। और जनता भी चाहती है, जब वो सुनती है कि ये फलाना फौजी है, तो जनता ना एक बार मुड़ के जरूर देखती है उसकी तरफ। तो आज पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी जो बहुत सारी चीज़ें कर रही है, वो जनता को समझाना भी एक मतलब एक अच्छा वो तरीका है, तभी जनता में कॉन्फिडेंस आता है। वो फिर मिल करके ना पॉलिटिकल पार्टी और जनता फिर एक सक्सेसफुल मॉडल बनाती है। मेरे को लगता है मेरे पास एक वो बहुत बढ़िया जरिया है, जो पार्टी के जो पॉइंट्स हैं जो करे जा रहे हैं उनको वाकई में आगे समझाना भी, और साथ में मेरे कुछ एक्सपीरियंस हैं वो पार्टी के साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ है, एक डिस्कशन होता है, उसके बाद हम बोलते हैं कि ये पॉइंट्स को शायद हम लेकर के चलेंगे आगे, जनता को समझाएंगे या जनता की समस्याओं को समझ करके उसे कैसे अपने टाइम टाइम पे अपने मैनिफेस्टो जो पहले थे उसको इम्प्रूव करने के लिए बनाएंगे।